उम्मुद तहदा, बड़ी नेक खातून, इनके शौहर का नाम है अबू तहदा, और इस बारे में है कि सनदों को तहकीक करके अबू तबरानी के अंदर बताया गया कि इसकी सनद ठीक ठाक है। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत बता रहे थे अल्लाह के राह में खर्चा खैरात करने की। तो अबू तहदा को उन्हें मदीने के अंदर 600 खजूर के दरख्त के मालिक, 600 खजूर के दरख्त, मतलब आप बता गए कितने खजूर लगते, और उस जमाने की बड़ी दिदा यही थी, इतना बड़ा बाग और उसके अंदर महल था। महल जो भी मदीना आता था तो जैसा शहर में जो भी आते चार मीनार जाते, तो उस जमाने में जो भी मदीना आता था तो उनका वो महल और वो बिल्कुल जमावा बाग था। जैसे एक आदमी कहता तवज्जो देकर पूरा बाग सजा के रखता है, जो भी आता था एक मक्का उसको जरूर देखता था, विजिट करता था, और बहुत ही बेहतरीन उसके अंदर मीठे मीठे खजूर और बहुत उमदा उमदा खजूर लगे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत बयान करते हैं, अल्लाह के राह में देने की क्या फजीलत है, क्या फजीलत है। अबू तहदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्याल आया है कि मैं अपना पूरा बाग अल्लाह की राह में खैरात कर दूं, ताकि गुजरने वाले गरीब जो जो भी है इससे फायदा उठा करे, अब वो मेरा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो बड़ी फजीलत तुमको मिली, और वो आते हैं अल्लाह कहते हैं आज से आपका है, और उम्मुल तहदा जो है उस बाग में पत्ते सींचना करना, उसकी देखभाल करना, ख्याल कर रही है। आकर कहते हैं अबू तहदा, ऐ उम्मे तहदा मैंने ये बाग दे दिया है, अब हमारा इस पर हक नहीं है, निकल जाओ। वो खातून एक मौका भी नहीं पूछते, वो निकल जाते, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी क्या, बस खत्म होगी बात। यानी हमसे महफूज जगह वो है जहां अल्लाह के पास, अल्लाह के पास। आप जो अगले जेबों में महफूज नहीं है, चोरी होने का डर है, बेकार जाकर जाने का डर है, लेकिन जब आप अल्लाह की राह में लगा देते हैं तो दुनिया की सबसे महफूज जगह पर आपने रख दिया, और क़यामत में उसका आपको अजर मिलेगा।